दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पेपर हमारे पास आ चुका है। आज का ये पेपर है 17 तारीख का, 17 नवंबर का, और टोटल टाइम इसमें वही था 1.5 घंटे का, 1 घंटे 30 मिनट्स का। और टोटल जो प्रश्न पूछे गए वो 90 प्रश्न थे। ठीक है, ये जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपने पढ़ी लिए होंगे। और हम आपको पीडीएफ, वैसे भी हमारे जो लिंक है उसके अंदर आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे क्वेश्चंस के बारे में। तो जो क्वेश्चन है वो है, बाल मुकुट गुप्ता हरियाणा के एक कौन से साहित्य हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का सीक्वेंस थोड़ा, जैसे हमने 52 से किया, थोड़ा जंबल सीक्वेंस है। हमारा सिर्फ मेन मोटिव ये है, आप तक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पहुंचाएं हम, जिससे कि आपको बेनिफिशियल हो अगर आप कल एग्जाम देने गए हो। इसलिए हम आज से अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस, जल्द ही हम आपकी को आंसर की भी इसकी प्रोवाइड करवाएंगे। अभी हमारे आंसर की पे वर्क चल रहा है, जैसे ही हम आज के आंसर की हमारी पूरी सॉर्ट आउट हो जाएगी, हम इसके आंसर की आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्ता हरियाणा में किस साहित्य की है, मतलब कि जो बाल मुकुंद गुप्ता है वो हरियाणा के हैं, वो किस में अपना लिटरेचर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो था, इसमें से आपको सीरीज में से आपको लुप्त अक्षर बताना है, मतलब कि जो मिसिंग लेटर है वो आपको इसमें से बताना था, GWLO। ठीक है, इसमें से आगे का जो क्वेश्चन है वो है, दिक्कन पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से ये जो कथन दे रखे हैं, इसमें से अपन को देखना था कि दिक्कन पठार के संबंध में इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। ये आपको चार कथन दे रखे थे, उसमें से आपको बताना था। ठीक है, ये आप आंसर्स आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और हम आपको जल्द से जल्द आंसर की भी प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ है, वैष्णव जन तो जो है गांधी जी के प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपने सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं में के दिनचर्या में अपनाया था, किसके द्वारा लिखा गया। जो वैष्णव जन तो जो प्रिय भक्ति गीत है, ठीक है, जो कि गांधी जी का बिल्कुल बहुत प्रिय था भक्ति गीत, जो वो अपनी सार्वजनिक प्रथाओं में प्रार्थना सभाओं के में गाते थे, तो वो किसके द्वारा लिखा गया था। ये आपको ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है, आपको ये बताना था। आगे मैथ्स में से जो क्वेश्चन आए, मैथ्स के क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस आप देख लीजिए पहले। रीजनिंग के क्वेश्चंस है, यदि गिव को कूट में 43 बोलते हैं तो टेक को क्या कहेंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसे कोडेड भी क्वेश्चंस आए, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए कि नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन आया कि sec थीटा इज इक्वल टू 4/√7 है, तो ये जो पूरा फॉर्मूला है इसका क्या होगा, तो इसका भी मानक आप निकाल सकते हैं कि इसका क्या मान होगा। आगे पूछा गया, यदि ये भी रीजनिंग में से क्वेश्चन आया, यदि 15 को बुधवार था तो उसी वर्ष की 1 अगस्त को क्या था। ठीक है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन आया, कैलेंडर के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कैलेंडर हमारे सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हमारी रीजनिंग की क्लास में, तो आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आप ये आंसर सही करके आए होंगे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देखें, कैलेंडर आपको बहुत ही चुटकियों में आप कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से एक समांतर श्रेणी बताइए। इसमें से समांतर श्रेणी मतलब कि जो अर्थमेटिक जो सीरीज होती है, ठीक है, एपी जो होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली, वो वाली आपको बतानी थी कि सेम कौन सी है इसके अंदर। तो जो ये जा रही है ये भी देखो, ऑप्शन सी जो है उसका देखो, 2 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, 2 फिर 2 से और √2, फिर √2 से और इसको और √2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये वाला क्वेश्चन सही हो सकता है, आंसर सही हो सकता है। ठीक है, आगे जो है हरियाणा नगर, अब देखो ये हरियाणा से क्वेश्चन आया, मैंने आपको बताया 25% क्वेश्चन हरियाणा में से आएंगे जो टोकरे हैं उसके। तो हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम शिक्षित कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि न्यूनतम शिक्षा कितनी होनी चाहिए उसकी। हरियाणा नगर निगम संशोधन जो है हरियाणा म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो मेल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन के अंदर कितना होना चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, इसका आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि ऑप्शन हमारे फ्लक्चुएट कर सकते हैं, हम जैसे आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे आप उस वक्त आंसर देख लेना कि क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कि मेघालय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जो मेघालय प्लेट्यूब है ठीक है, उसमें से इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो असत्य है, यानी कि वो ट्रू नहीं है, ऐसा ये क्वेश्चन भी एक पूछा गया था। आगे जो क्वेश्चन हिंदी भाषा में से क्वेश्चंस पूछे गए वो भी काफी इजी क्वेश्चंस पूछे गए, इतने टफ नहीं थे। प्रति प्लस उपकार, प्रति उपकार कौन सी संधि है ठीक है, इसमें से पूछा गया कि ये कौन सी संधि है, प्रति प्लस उपकार, प्रति उपकार जो संधि है वो इनमें से कौन सी संधि है। उसमें आगे पूछा गया इसको सुमिलित कीजिए, सुमिलित मतलब कि मैच करना था ठीक है, तो सुमिलित कीजिए इसमें अपन को ये देखो काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बताना है, 62 किसको कहते हैं, 62 को कहते हैं, 55 से इसको करना है, 29 और 29 ये काफी इजी क्वेश्चन है। देखो ये तो बच्चा भी कर सकता है कि 62 किसको कहते हैं, है ना, ये इसमें सम्मिलित करना बताया है, तो इसका फर्स्ट का होना चाहिए ई, तो लास्ट जो डी वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन इसका सही है, ये तो कोई भी बता सकता है। इसमें सुमिलित करना था, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर हिंदी में से। नेक्स्ट है गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय बताइए ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि गाय क्या है, तो गाय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक पर्टिकुलर ठीक है, फिर कर्ता है और कारक खा रही है, क्रिया का कर्ता क्या है, खा रही है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी हो सकता है, गाय नहीं चलती, ये वाक्य भाववाच्य होता है, भाव गाय से चला नहीं जाता, यह वाक्य भाववाचक में होता है, गाय नहीं चलती ये हम अगर बताते हैं तो इसको अगर भाववाच्य संख्या करते हैं तो उसमें से क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। इसी में अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगता है, तो हम अदब यानी कि हमें पता है कि अदब यानी कि जो शिष्टाचार, हमारा अदब जो होती है मतलब कि जो मैनर्स होते हैं उसको कहते हैं, तो अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगता है, नी अदब नहीं होता, बेअदब होता है ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। मैं आपको इजी जो क्वेश्चंस हैं उसके जो आंसर हो सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके अलावा जिस क्वेश्चन में डाउट होता है वो वाले आंसर्स हम आपको जल्द से प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको अभी तो सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं इसलिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपका अभी सेकेंड शिफ्ट में भी पेपर है, 3 बजे से अगर आपका पेपर है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, आप इसको एंड तक देखिए, हमारे पास पेपर आ चुका है, हम उस पेपर का एनालिसिस आपको बता रहे हैं ठीक है, हम आप उसको उसका पेपर के क्वेश्चंस बता रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को चेक करें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करिए ठीक है, इसमें आपको सही वर्तनी का चयन करना है। आगे जो क्वेश्चन है वो घन जैसा श्याम, घनश्याम यह कौन सा समास है ठीक है, मतलब इसमें हमें बोला है घन जैसा, मतलब घन की जो है, घन को श्याम बोला गया है, घन जैसा श्याम, तो घनश्याम इसमें से कौन सा समास है वो समास बताना है आपको। निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची शब्द बताइए, गाय का पर्यायवाची शब्द गौ होता है, आपको सबको पता है, तो इसका जो आंसर है वो सॉरी गौ भी होता है, धेनु भी होता है ठीक है, तो इसमें से आपको पता है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो शायद अंबु इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, कपिला गौ और धेनु तो है ठीक है, गौ और धेनु तो 101% है, इनमें से थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप देख लीजिए कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या है, तो साधु तो इसका बहुवचन होगा साधुओं ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया वो है जहां एक से अधिक कर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, जबकि 2 वर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा होता है ठीक है, इसमें से अलंकार पूछा है कि कौन सा अलंकार होता है। आगे है जमीन पर पैर ना पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है ठीक है, तो इसका जो मुहावरे का अर्थ है कि जमीन पर पैर नहीं पड़ना, यानी कि मौज उड़ाना भी हो सकता है इसका, अधिक घमंड करना तो नहीं होता, क्योंकि कई बार हम लोग खुशी के मारे भी जमीन पर पैर नहीं होते हमारे, तो मौज उड़ाना होगा इसका आंसर, या तो मौज उड़ाना या अधिक घमंड करना भी हो सकता है, वन ऑफ द आंसर ठीक है। आगे है श्रृंगार रस का स्थायी रूप भाव कौन सा है, श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वो कौन सा है,
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। हम आगे जो क्वेश्चन पूछा गया वो है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स मूव्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। इनमें से अपन को बताना है कि कौन से जो हमारे लीडर्स थे, नेता थे, उनमें से जो संविधान सभा हुई थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव कौन सा हमारे नेता लेकर आए थे। आगे पूछा गया जोगीज यूज इंस्ट्रूमेंट टू सिंग, ठीक है, जो जोगी सेंट जो होते हैं, जोगी जो होते हैं वो कौन सा बजाते हैं, वाघ जो कौन सा बजाते हैं, ठीक है, तो इसमें से बताना था आपको भी कौन सा वाघ बजाते हैं जोगी लोग, ठीक है, तो वो सारंगी बजाते हैं, हमारे अकॉर्डिंग वो सारंगी होता है जो वो बजा रहे होते हैं, ठीक है। आगे द कलर ऑफ द व्हील विच वी सी इन आवर नेशनल फ्लैग, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें दिखने वाला जो पहिया है, ठीक है, उसका रंग क्या होता है, तो उसका रंग गहरा नीला होता है, डार्क ब्लू कलर होता है उसका, सॉरी गहरा नीला, हाँ गहरा नीला होता है उसका, नेवी ब्लू कलर, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे जो क्वेश्चन था वो था 5000 ईयर्स ओल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड इन द प्रेजेंट डे इन ब्रेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो 5000 साल पुराने जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो वर्तमान दिन में कहां मिली है, ठीक है, ये करंट में से पूछा गया है सवाल, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया वो है कि अब ये देखो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से अवतरण दर्पण के सामने, ये साइंस में से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है, सुस्पष्ट प्रतिमा प्राप्त करने के लिए दर्पण कितनी दूरी में पर पर्दा लगाना चाहिए, ठीक है, तो इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे उससे आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि फोकल लेंथ वगैरह से ये क्वेश्चन, आपका जो मिरर वगैरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन पूछा गया है ये। आगे ओमेगा 3 एसिड्स आर प्रेजेंट इन, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया, ये बायो का क्वेश्चन है, बायो के भी हमने बहुत वीडियोस डाल रखे हैं, आप उन वीडियोस को भी चेक करके जाएं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको अच्छे लगेगा वो वीडियोस में, और आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स भी उसमें पढ़ाई गई है कि किस तरीके से हम कौन सा विटामिन, कौन सा जो भी बैक्टीरिया वगैरह से जो बीमारियां होती है, वायरसेस होते हैं, उन सबको किस तरीके से इजिली याद कर सकते हैं। द हब ऑफ मेकिंग दरीज, ठीक है, दरी बनाने का केंद्र हरियाणा में कहां पे है, दरी का केंद्र पूछा गया है इसके अंदर, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में प्रवर्तन के लिए है, मतलब कि जो अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 226 है वो हमारे हाईकोर्ट को क्या एनफोर्स करता है, इसमें से आपको बताया गया कि 226 जो अनुच्छेद है वो इनमें से कौन सा अधिकार हमारा एनफोर्स करता है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन डैश हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन हरियाणा, हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है, ठीक है। उसी के साथ आगे जो क्वेश्चन पूछा गया वो फिर से मैथमेटिक्स में से है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी थी और इसको हल करना था, ठीक है, ये हमारी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंप्लीफिकेशन वाले हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, ट्रिग्नोमेट्री का भी डायरेक्ट फॉर्मूला में था क्वेश्चन, इतना ज्यादा टफ नहीं पूछे गए हैं। आगे जो क्वेश्चन आया ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी टर्न इनटू द फिलोसोफर, जब फ्रीडम मूवमेंट हुए तो इनमें से कौन से जो हमारे रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, वो दार्शनिक बन गए, ठीक है, वो फिलोसोफर बन गए, इनमें से कौन थे वो बताना था हमें, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया वो गया हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन स्पीकर ऑफ हरियाणा विधानसभा फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, इनमें से कौन जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सबसे ज्यादा टाइम तक, मतलब सबसे ज्यादा बार बने, इनमें से उनका नाम बताना था, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया वो था कि ब्रिटिश अधिपत्य के दौरान रियासती राज्य द्वारा ब्रिटिश भारत साम्राज्य को कितना भू क्षेत्र
घेरा गया था, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जो जो हमारा ब्रिटिश क्राउन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें से कितना भाग जो था हमारा वो घेरा गया था। दोस्तों यहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको भी हमारे इस पेपर में से कोई क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं तो वो भी हमारे साथ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जो कि दूसरे लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो। हम ही जल्द ही आपको आंसर की भी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन अभी हम आपको क्वेश्चंस इसलिए प्रोवाइड करवा रहे हैं क्योंकि कई बच्चों के 3 बजे से पेपर हैं, 3 बजे से आप पेपर होंगे, तो हम अभी इतना टाइम हम निकाल नहीं रहे थे जिससे कि हम आंसर आपको एग्जैक्ट आंसर हम उसमें बता दें। तो 3 बजे से जिसका पेपर है उसके लिए हम आपको पेपर, या आपको हमने बताया है पेपर के क्वेश्चंस कौन से पूछे गए, ठीक है। तो हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको इनमें से आंसर्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर्स भी बताएं कि इसका क्या आंसर आ सकता है, और जो आंसर मैं आपको बता रही हूँ हो सकता है वो भी आपको उसमें से कुछ गलत लग रहा हो, तो आप उसमें वो भी हमसे शेयर करें कि इसका आंसर ये नहीं होगा या ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग में से क्वेश्चन है। यदि प्लस का मतलब प्लस का मतलब डिवीजन है, डिवीजन का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ प्लस है, तो ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको सॉल्व करनी थी। तो ये वाले ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। उसी के साथ पूछा गया कि द लेक विच इज डेडिकेटेड फॉर गॉड सन, सन जो सूर्य देव है उनके लिए जो समर्पित झील है वो कौन सी है, सूरज कुंड नाम है उसका उस झील का, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सूरज कुंड। उसी के आगे फिर से देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है, समीकरण करना है हमें, सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। ये दो इक्वेशंस दे रखी है हमें, ठीक है, और इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आगे है तीरंदाजी का कौशल में स्वयंवर में परीक्षा दी, ठीक है। तो इसमें यह पूछा गया कि तीरंदाजी का कौशल डैश के स्वयंवर में परीक्षा थी, ठीक है। जो तीरंदाजी थी वो किसके स्वयंवर में थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तापक हार्मोन है, पादप हार्मोन कौन सा है इसमें से, पादप हार्मोन यानी कि प्लांट का हार्मोन कौन सा है इसके अंदर। तो इसमें ये हो सकता है जो साइटोकिनिन है, जो ऑप्शन सी है साइटोकिनिन, वो पादप हार्मोन है, ठीक है। इसमें से ये सब ह्यूमन बीन के अंदर मिलते हैं, इंसुलिन एस्ट्रोजन और टेस्टेरोन, ये सारे जो है ये हार्मोन ह्यूमन बीन के अंदर होते हैं, प्लांट का इसमें है साइटोकिनिन, ठीक है। नेक्स्ट है दमादम झील जो है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया दमादम झील कहाँ पे स्थित है। इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, डिबेट ड्यूरिंग द डिबेट ऑफ सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अ फेमस कोट, देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी इज सेड बाय, जो संविधान सभा हुई थी उसमें नागरिकों की बहस के दौरान एक कथन बोला गया था कि कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती, ठीक है। तो ये कथन किसने बोला था, ये कथन इसमें आपको ऑप्शन में बताना था कि ये कथन किसके द्वारा बोला गया है। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि द डिवाइस विच कन्वर्ट साउंड टू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर्स, ठीक है। हमें ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा जो उपकरण है वो ध्वनि तरंगों में बदलता है, ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है, एरिया ऑफ द सर्किल इंस्क्राइब इन द स्क्वायर ऑफ द साइड ए इज, इसमें पूछा गया था कि अगर हम किसी सर्किल को किसी स्क्वायर में डालेंगे और जो स्क्वायर की साइड है वो ए है, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा, किसका, सर्किल का एरिया, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड बी इज 2 ईयर्स, ये आपको फिर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि ए और बी फ्रेंड्स हैं, बी जो है वो 2 साल छोटा है ए से, ए के फादर डी हैं वो 2 हैं ए से, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसका भी कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। इसमें ए और बी की आयु का रेशो बताना था, क्रमशः क्या होगी, ए और बी की रेशो नहीं बताना था, इसमें आपको एजेस बतानी थी कि क्या क्या एज होगी इन दोनों की। नेक्स्ट है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग, साइंस में से क्वेश्चन पूछा गया है, फिजिक्स का क्या क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। तो इसमें आपको बताना है कि
पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी दो पॉइंट का 1 जूल है और उसका चार्ज 1 कूलम है, ठीक है, तो उसका करंट कितना होगा ये बताना था अपन को, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बताना था इसके अंदर अपन को। नेक्स्ट है महाभारत वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग, महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया उसकी आपको तारीख बतानी थी। नेक्स्ट है कंप्लीट द एनालॉजी, हमें एनालॉजी को कंप्लीट करना था। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का है, तो जूलॉजी किसका है, तो जूलॉजी जो है वो हमारा जंतु विज्ञान, वो हमारा हो सकता है बायोलॉजी का पार्ट हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि मैथमेटिक्स का है, तो जूलॉजी किसका पार्ट हो सकता है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो जीव जंतु जो भी है तो बायोलॉजी का पार्ट हुआ, बायोलॉजी में ही बॉटनी भी बायोलॉजी का पार्ट है, जो कि पादप विज्ञान होता है, यानी कि जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं। तो जूलॉजी किसका है, बायोलॉजी का है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आज के एचएससी ग्रुप डी के पेपर में, वो इंग्लिश लैंग्वेज में से देख लेते हैं अपन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स, इसमें आर्टिकल फिल करना था। राम वॉज अपॉइंटेड एज अ क्लर्क, ठीक है, सॉरी राम वॉज अपॉइंटेड अ क्लर्क, ठीक है, तो अ आएगा इसके अंदर क्योंकि कॉन्सोनेंट है इसके आगे, तो द क्लर्क तो हो नहीं सकता, इसमें आएगा अ क्लर्क, ठीक है, क्योंकि एन तो हमेशा किसके आगे लगता है, एन हमेशा अपन लगता है वॉवल्स के आगे, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो, टू बरी द हैचेट, ठीक है, टू बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, टू कीप अ सीक्रेट, टू मेक अ पीस, टू ऑब्टेन मनी और टू बाय द डेड, तो इसका टू बरी द हैचेट का मतलब होता है टू कीप द टू मेक पीस, ठीक है। और आप और भी अच्छे से इसको देख लीजिए, आइडियम्स और जो हमने फ्रेजेस का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियम्स और फ्रेजेस बताए गए हैं, वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। हमारी प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएंगे फ्रेजेस और आइडियम्स वाले। नेक्स्ट है इंडिया इज वन ऑफ डैश वेरी बिग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो इसमें आएगा इंडिया इज वन ऑफ द वेरी बिग कंट्रीज, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक है, तो उसको इंडिया के लिए अपन को बताया कि इंडिया इज वन ऑफ द, इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज बर्निंग क्वेश्चन, द बर्निंग क्वेश्चन इज द पजलिंग क्वेश्चन, द डिफिकल्ट क्वेश्चन, द हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन और द अनॉइंग क्वेश्चन, तो इसका द बर्निंग क्वेश्चन का मतलब आपको बताना था कि ये जो आइडियम दे रखी है द बर्निंग क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है द बर्निंग क्वेश्चन का, तो इसमें अपन को बताना था कि ये आइडियम है एक, ठीक है, और आइडियम का इसका मतलब बताना था अपन को कि इसका मतलब क्या है, तो इसके द बर्निंग क्वेश्चन का मतलब द पजलिंग क्वेश्चन, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें अपन को पूछा गया था। नेक्स्ट है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें आपको करेक्ट करने थे सेंटेंसेस। आई कांट इमेजिन व्हाई यू वर बिलीव ऑल दीज रूमर्स, ठीक है, आई कांट इमेजिन व्हाई यू वर बिलीविंग ऑल दीज रूमर्स, आई कांट इमेजिन व्हाई यू बिलीव्ड ऑल दोज रूमर्स, ठीक है, इसमें से अपन को बताना था कि इसमें से करेक्ट करके बताना था कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था, विच ऑफ द स्पॉट वुमेन वर गिवन अ सर्टिफिकेट, तो इसमें भी आपको ऑप्शन दे रखे थे, इसमें आपको ऑप्शन में से बताना था। नेक्स्ट है द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स, इसमें आपको सूटेबल वर्ब डालनी थी, तो द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश द फुटपाथ, द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स आर डैमेजिंग द फुटपाथ, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर डैमेजिंग द फुटपाथ। When I was a child dash the violin. When I was a child, I was playing the violin. ये होगा When I was a child, I played the violin. ठीक है, जब मैं बच्चा था तो मैंने violin play करा था, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज ईच ऑफ द स्पोर्ट्स, ये तो बता दिया था मैंने आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट है करेक्ट ऑप्शन भरना था इसमें, द स्कीम अलाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज टू कम्युनिकेट
तो जो स्कीम है वो अलाउ करती है स्टूडेंट को टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, ठीक है, तो आएगा विथ वन अनदर। नेक्स्ट है एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वेकेंसीज। द एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट शुड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ वेकेंसीज, ठीक है, उनको स्पेसिफाई करना चाहिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, शुड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ वेकेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए मैथमेटिक्स में से है। मैथमेटिक्स में अपन को ट्राइंगल ए बी दे रखी है, ट्राइंगल की एसी दे रखी है, बीसी दे रखी है, तो एंगल बी निकालना है अपन को, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए मैथमेटिक्स में से है, ट्राइंगल एबीसी में ए बी इज इक्वल्स टू सिक्स रूट थ्री सेंटीमीटर, एसी दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर और बीसी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो आपको इसका एंगल बी निकालना था। वहीं आगे देखो क्वेश्चन दे रखा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का गुण 9 गुणा इस संख्या के अंकों को वापस से बदलने के बाद प्राप्त हो चुकी के 2 गुणा होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास जो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू नंबर इज 9, अगर हम जैसे कि 4 और 5 अगर डिजिट लेते हैं उसका जो सम है वो 9 होता है, तो जो 2 डिजिट के वर्ड लिया है उसका जो सम है वो 9 है। अगर हम उसका उस नंबर का 9 टाइम्स करते हैं यानी कि उसको 9 से वापस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अगर हम रिवर्स कर देते हैं उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें HSSC ग्रुप डी में। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि हमें एक बिंदु ए बी और -A - B के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो है अरावली पहाड़ों के मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है। जो अरावली रेंज है हमारी, अरावली हिल है, उसकी जो मुख्य जो उपस्थिति है वो किस जिले में पाई जाती है, तो ये ऑप्शंस थे इसमें, फरीदाबाद, रोहतक, गुड़गांव और हिसार। नेक्स्ट जो है आरबीआई की संस्तुति के आधार पर बनाइए, किस संस्तुति के आधार पर बनाई गई है, ठीक है, जो आरबीआई हमारा सेटअप हुआ है वो किसके रिकमेंडेशन पे हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर, इसके ये ऑप्शंस दे रखे थे 4, इसमें से आपको सही आंसर बताना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसमें ये मैंने आपको क्वेश्चन कल भी बताया था, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन सही करके आए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, दो समान रेखा का दर्शाते हैं तो बी का मान क्या होगा, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है, ये स्लोप वाले फॉर्मूले से आपका इसका आंसर निकल सकता है। अभी आंसर हमने निकाला नहीं, लेकिन ये स्लोप वाला जो फॉर्मूला होता है उससे इसका आंसर निकल सकता है। तो ये आपको दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस दे रखी थी, ठीक है, और इसमें आपको बी की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से अब आया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द 3 ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें से अपन को क्या निकालना था, इसमें से अपन को देखना था कि इसमें से कौन सा भिन्न शब्द है, अर्थमेटिक, मैथमेटिक, एल्जेब्रा और ज्योमेट्रिक, इन चारों में से कौन सा भिन्न शब्द है। तो इन चारों में से अगर हम देखें तो भिन्न शब्द है मैथमेटिक्स। क्यों भिन्न शब्द है, क्योंकि ये सब मैथमेटिक्स की ब्रांच है, लेकिन मैथमेटिक्स एक खुद में एक पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है इसरो's फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट हु रिसेंटली स्पेंड 403 डेज इन अंटार्कटिका। इसमें से अपन को बताना है कि जो इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक कौन सी है जिन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका में 403 दिनों से ज्यादा व्यतीत किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड, जो रक्त द्वारा वाहिका भित्ति हमारी जो होती है वो जो जोर लगाती है, लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, ठीक है, जो हमारी रक्त द्वारा वाहिनी है, रक्त जो हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनके द्वारा जो जोर लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है एस्पिडोस, जो एस्पिडोस कौन से जिले में पाया जाता है,
इसमें आपको ये हरियाणा के जिले दे रखे थे, इनमें से एप्सिडॉस जो है वो कहाँ पाया जाता है वो बताना था। आगे जो क्वेश्चन था वो था कि नए राज्य एकाकीकरण, न्यू स्टेट कम टू एग्जिट थ्रू यूनियन कंसोलिडेशन कन्फेडरेशन एक्सेट्रा, हेयर कन्फेडरेशन रेफर्स टू, यानी कि इसमें हमें बोला गया कि जो नए राज्य एकाकीकरण होता है समेकन और संघ आदि से के अस्तित्व में आता है, तो संघ क्या होता है, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द नंबर विच इज नॉट लाइक द अदर थ्री नंबर्स, हमें इसमें बताना था कि इनमें से कौन सा नंबर है जो बाकी के जो नंबर्स हैं उनकी तरह नहीं है, ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं इनमें से हम पता कर सकते थे कि कौन सा नंबर नहीं है। मेरे ख्याल से ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि थ्री जो है 3 से 21 डिवाइड हो जाता है, बाकी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो सकता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ PE इज इक्वल्स टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है, मतलब कि अगर PE की प्रोबेबिलिटी ये है तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये इसमें पूछा गया कि PE की प्रोबेबिलिटी अपन को दे रखी है 0.05, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 होती है, तो 1 के अंदर से हम 0.05 जब निकालेंगे तो 0.95 उसकी प्रोबेबिलिटी बच जाएगी, तो इसका आंसर आएगा 0.95 ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 3 क्यूब्स, ईच साइड 2.5 सेंटीमीटर्स आर जॉइंड एंड टू एंड, ठीक है, 3 क्यूब है जिसको एंड टू एंड हमने जोड़ दिया है, द रिजल्टिंग सॉलिड जो होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है, जब हम क्यूब को एंड टू एंड 3 क्यूब्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बन गया, वो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, तो हमें सिंपल जो रेक्टेंगल आएगा, ठीक है, रेक्टेंगल की जो ऊपर वाली साइड, एक साइड तो उसकी 2.5 सेंटीमीटर होगी और ऊपर वाली जो उसकी साइड होगी वो होगी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हम 3 को जोड़ रहे हैं तो 3 को इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 हो जाएगी, ठीक है, फिर इसका हम टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है, तो हम इसमें जब हम रेक्टेंगल का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, सॉरी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ठीक है, लाख के बैंगल्स कहां बनते हैं ये अपन को बताना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने किया, ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो कुरुक्षेत्र की जो वॉर हुआ था उसमें जो धृतराष्ट्र आपको पता है देख नहीं सकते थे तो वो उनका वो सब सुन रहे थे, उनका वर्णन कौन कर रहा था, तो उनका वर्णन कर रहा था संजय, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी संजय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया इफ टू इज अ जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है, तो एफ की वैल्यू निकालनी थी हम, सॉरी जो फंक्शन है जो फंक्शन दे रखा है उसमें ए की वैल्यू निकालनी थी, अगर हम जो टू है वो जीरो ऑफ पॉलीनोमियल है तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करने की जरूरत है और आपको आंसर मिल जाएगा। द टर्म मेसोफाइट इम्प्लाइज, जो मेसोफाइट जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो खारे और खट्टे जल में उगने वाले पदार्थ, ये वर्ष के अधिकांश भाग में पाए जाने वाले उपभोग मृदा जल, ठीक है, अनुकूल मौसम में उगने वाले और पानी के नीचे उगने वाले, इसमें से ये अपन को बताना था कि मेसोफाइट्स क्या होते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है द फर्स्ट हरियाणवी मूवी, इसमें से पहली हरियाणवी मूवी के बारे में पूछा गया कि पहली हरियाणवी मूवी कौन सी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मिस एक्स मूव्स 20 मीटर्स इन द ईस्ट, ये आपका रीजनिंग में से क्वेश्चन है कि मिस एक्स मूव्स 20 मिनट्स इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड देन टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स एंड देन टर्न हर राइट एंड 25 मीटर्स, आफ्टर दिस शी टर्न ऑन हर राइट एंड मूव्स 15 मीटर्स, नाउ हाउ फार शी वॉज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है, तो इसमें बोला गया कि जो एक्स है वो पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चली, फिर वो अपने बाएं मुड़ी और 15 मीटर चलती है, फिर वो अपने दाएं मुड़कर 25 मीटर चलती है, फिर वो अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है, तो अब आपको बताना था कि वो अपनी आरंभिक जो बिंदु है मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वहां से कितनी दूरी पे है।
नेक्स्ट है, इट इज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl. इसमें से कौन सी चीज है जो HCl से रिएक्ट नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं कर पाती है. इसमें से कौन सी चीज है जो कि HCl से अभिक्रिया नहीं कर पाती है. आगे जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पूछा गया कि अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, इसमें पूछा गया कि ये जो अपनी पृथ्वी की धरातल से वायुमंडल से निम्नलिखित कौन सा सही मैच है. ठीक है, तो इसमें से आपको बताना था. नेक्स्ट पूछा गया कि जोगिंदर सिंह इज अ जो लिटरेचरर फ्रॉम, जो जोगिंदर सिंह है वो जो साहित्य की है, हमारे जो साहित्यकार हैं, जो साहित्य की है वो कहां से बिलोंग करते हैं, ये बताना था. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द 97th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो 97th अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो 97th संशोधन हुआ वो वो कौन सा है, इनमें से अपन को बताना था. आगे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन था कि मस्ताफाबाद जो है उसका नया नाम क्या हो, नया नाम क्या है. ठीक है, जो मुस्तफाबाद जो था उसका नया नाम क्या हो गया, ये हमें बताना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला गया, मिला वो किसने दिया, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है वो किसने दिया, ये हमें बताना था. ठीक है, तो वो शायद जनरल यूएन जनरल असेंबली ने दिया था. ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो सकता है, आप फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है. नेक्स्ट है पंचायत राज एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस पर्सुएंट टू डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इसमें से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया, इसमें से कौन सा जो है जो कि जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो पंचायती राज जो है उसका वो आया. ठीक है, उसका अस्तित्व हुआ, वो अस्तित्व में आया. नेक्स्ट पूछा गया कि व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर व्हाट इज प्रोड्यूस्ड. मतलब कि जब हम बेकिंग सोडा को गर्म पानी में या गर्म जल में मिलाते हैं तो इसमें से क्या बनता है, ये पूछा गया. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स सर्व एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हिमालयस एंड प्लेन्स. ठीक है, इसमें पूछा गया कि जो इसमें से कौन से हिल्स हैं जो कि हिमालय और प्लेन्स के बीच में लिंक बनाते हैं. ठीक है, ये ऑप्शंस दे रखे थे, इसमें से आपको बताने थे कि इनमें से कौन से वो पहाड़ हैं, वो कौन सी पहाड़ियां हैं जो कि मैदान और हिमालय के बीच में लिंक बनाती हैं. नेक्स्ट मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आया 111-23-95 और 191. इसमें से आपको बताना था कि इसमें के बीच में जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा. और आज के इस पेपर का आखिरी जो क्वेश्चन है, वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ये आखिरी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन है वो है एक्वेफर मैपिंग डन टू एक्सिस. मतलब कि जो जलभृत मानचित्रण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा गया है कि जो एक्वेरिंग मैपिंग यानी कि जो जल में जो मैपिंग होती है वो किस द्वारा, किसके द्वारा की जाती है. सॉरी, जो एक्वेकर मैपिंग होती है कि जलभृत मानचित्रण होता है वो किसके लिए किया जाता है. ठीक है, इसमें पूछा गया कि वो किसके लिए किया जाता है. एक हमारा क्वेश्चन था उसमें आया था किसके द्वारा की जाती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इसमें पूछा गया कि किसके लिए किया गया है, किया जाता है. ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे जो कि आज के HSSC के पेपर में आए. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप अभी 3 बजे का पेपर देने जा रहे हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और कल 18 तारीख को भी 2 शिफ्ट में पेपर है, तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच, आपने कंप्लीट वीडियो देखा. ठीक है, और हम इसी तरीके से आपको इसकी आंसर की भी प्रोवाइड करवाएंगे जल्द से जल्द. और अभी 2nd शिफ्ट का पेपर होने जा रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट. कल भी हम आपको हमारे जो SSC ग्रुप डी का जो पेपर होगा उसका एनालिसिस आपको बताएंगे. तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके. थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.